अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं रॉयल कॉलीफ्लावर। उसके लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम गोभी, मतलब 500 ग्राम्स कॉलीफ्लावर है। और इसके बाद हमने लिए हैं इस पे लगभग 200 ग्राम मटर। और हमने यूज़ करेंगे यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम। और हमने लिया है बटर, अमूल बटर है ये। और हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे अच्छे कलर के लिए। और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ये तीखी नहीं होती है, इसे अच्छे कलर के लिए यूज़ किया जाता है। हमने साबुत मिर्च लिए हैं, आप चाहें तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ मसाले। हमने लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 टमाटर। टमाटर हमने छोटे साइज़ के लिए, अगर बड़े साइज़ के टमाटर है तो आप 2 टमाटर ले सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर को कट करेंगे इस तरह से, मीडियम साइज़ में हम इसके कट करके रखेंगे। और प्याज को भी हम इसी तरीके से मीडियम साइज़ में कट करेंगे। अब हम प्याज को भी इसी साइज़ में, ऐसी मीडियम साइज़ में इसे कट कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं। हम ये ऑयल को गर्म होने देते हैं। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने प्याज और टमाटर को काटे हैं उसे रखते हैं फ्राई होने के लिए। टमाटर के हमें थोड़ा गलने तक, नरम होने तक के, और प्याज के भी गलने तक और नरम होने तक के हम इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। हमने साबुत मिर्च लिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च को हमने साबुत लिए हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना कर ले सकते हैं। ये फ्राई हो गए हैं, हम अब गैस बंद करके इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने रखते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जार में डालेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए इसका पेस्ट इस तरीके से इतना स्मूथ होना चाहिए। अब एक दूसरे पैन में हम बटर डालेंगे और इसे थोड़ा मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 5 से 6 लौंग, 8 से 10 इसमें काली मिर्च डालेंगे और हींग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें प्याज, टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स करके। ये देखिए अब हम इसमें ये जो हमने स्मूथ पेस्ट तैयार करें उसको हम डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। अब हम इसमें सूखी हुई फल धनिया डालेंगे, क्रश करके डालें इसको, ये सूखी हुई फल धनिया है। इसे भी हम कुछ देर के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब जिस जार में हमने स्मूथ पेस्ट बनाए थे उसी में हमने इसमें पानी डाले हैं और इसको मिक्स करके इसमें डाल दिए हैं। अब इसे कुछ देर के लिए मिक्स करेंगे और इसे कम से कम 30 सेकंड के लिए इसे ढक कर रख देंगे। ये देखिए 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। ये जब तक पक रहा है हम काजू बादाम कट करते हैं और काजू बादाम को फ्राई करेंगे।
काजू बादाम फ्राई करने के लिए हम एक पैन में बटर डालेंगे, इसे थोड़ा मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें काजू और बादाम ऐड कर लेते हैं और इसे थोड़ा बटर में भूनेंगे। और हमें ये जो काजू बादाम है इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस कुछ ही सेकंड के लिए इसे भूनना है, फिर निकाल लेंगे इसको। ये जो काजू बादाम है हमने इसको भून लिए हैं, अब हम इसको कढ़ाई से अलग कर लेते हैं। काजू बादाम भूनने के बाद ये देखिए ये जो मसाला है ये भी लगभग भून गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं गोभी। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी ले रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालकर थोड़ा भून लेते हैं। अब हम इसमें मटर के दाने डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए अच्छे से पकने देते हैं। इसके बाद हम इसमें फ्राई करे हुए काजू और बादाम डालेंगे। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसे ढककर पकाएंगे। ये देखिए इसे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और मटर और गोभी जो है वो भी अच्छे से गल गई है। गोभी और मटर जो है मसाले के साथ अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया। यहाँ हमने लिए हैं अमूल फ्रेश क्रीम, ये टोटल 250 ml है लेकिन हमने यहाँ पर 125 ml फ्रेश क्रीम का यूज़ करे हैं। आप चाहे तो अपने घर की मलाई, ताज़ी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये रॉयल कॉलीफ्लावर बनकर तैयार है। आप इसे मखनी मलाई गोभी मटर की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है उतनी खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है।
आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी, नान, चावल, आप जिसके साथ चाहें आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। ये सब चीज़ में आप जैसे खाएंगे वैसे ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। तो आप भी एक बार इसी तरीके से बनाइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।